मेरा नाम है नीमा और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ केजी क्लास के बच्चों को आप घर पर क्या और कैसे पढ़ा सकते हो। स्पेशली ये वीडियो ना मेरे कुछ व्यूवर्स के लिए होने वाली है जिनके बच्चे केजी में हैं और स्कूल की बुक्स देख के दूर भागते हैं। भाई मेरी तो एक व्यूअर ने स्पेशली कमेंट किया था कि नीमा जी मेरा बच्चा तो स्कूल की बुक देखते ही भाग जाता है, तो कुछ बढ़िया सी एक्टिविटी बुक्स बता दो। तो मैंने सोचा अलग अलग बुक्स बताने से अच्छा है मैं आपको एक सेट बता दूँ और आपका भी काम खत्म, बिल्कुल टेंशन खत्म। तो ये होने वाली है होम लर्निंग पैक एज 4+, मतलब केजी क्लास के बच्चों के लिए होने वाली है। ये आपको एज 3+, 5+ आई थिंक और भी मिल जाएंगे, लिंक मैं आपको इन सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो यह है ड्रीमलैंड पब्लिकेशन की, बहुत अफोर्डेबल बुक्स होती हैं ड्रीमलैंड की और मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी ड्रीमलैंड की बुक्स की, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। ये है पैक ऑफ 7 बुक्स। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और अलग से बुक लेने की ज़रूरत है, इसमें आपकी बहुत सारी बुक्स हो जाती है, बहुत अलग अलग तरीके की। स्कूल में जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती है ना वो सब आपका पूरा सिलेबस इस सेट में कवर हो जाएगा, तो आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी पड़ेगी। इस तरीके के बॉक्स में आती है ये, तो अगर आप किसी बच्चे को गिफ्ट भी दे रहे हो ना बर्थडे पे तो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। मैं आपको दिखाती हूँ इसमें कौन सी बुक्स होने वाली हैं। फर्स्ट बुक की अगर मैं बात करूँ तो ये है ब्रिलियंट ब्रेन, ये ब्रेन एक्टिविटी बुक है। इसमें आपको बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं छोटे बच्चों के लिए। अभी मैं आपको ना सारी बुक्स दिखाऊंगी, बिल्कुल इत्मीनान से बिना टेंशन के बैठिए। मैं अभी सिर्फ आपको बता रही हूँ कि साथ इसमें कौन सी बुक्स ऐड होती हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको पूरा एक्सप्लेन करूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट बिलीव मी काम का वीडियो होगा। सेकेंड बुक है इसमें अर्ली मैथ्स, ये देखेंगे ना आप पीछे, मैंने अभी एज 4 की बुक्स मंगवाई हैं, ये 3, 4, 5, 6, 7 सब एज के लिए आपको ये सेट मिल जाता है, तो आप अपने बच्चे की एज के हिसाब से मंगवा सकते हो। थर्ड बुक है इसमें लर्न टू राइट। अब इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ABCD लिखना सिखाया गया है, नहीं, मैं आपको दिखाती हूँ काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ दी गई हैं जैसे इसमें विच लेटर कम नेक्स्ट CDEF, तो यहाँ पर बच्चा 4 अगले अल्फ़ाबेट्स लिखेगा, मतलब एक्टिविटीज़ के थ्रू हम बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं। कैपिटल को स्मॉल में लिखना है, स्मॉल को कैपिटल में लिखना, इसके अलावा काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी इस तरीके से। तो इंटरेस्टिंग वे में हम बच्चे को सिखा रहे हैं। मैं अगर मेरे बेटे की बात करूँ ना, मैंने उसके लिए 5+ वाला मंगवा रखा है और उसे वो इतना पसंद है, वो एक दिन में कम से कम 5-5, 6-6 पेज कर लेता है। भागेगा नहीं आपका बच्चा पढ़ने से इस बुक से, अगर आप पढ़ोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ। नेक्स्ट है फोनिक्स एंड रीडिंग, इसमें बच्चे को फोनिक्स साउंड्स के बारे में सब कुछ क्लियर किया गया है, जैसा कि मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं इसमें। नेक्स्ट, इस बुक का तो मैं स्पेशल रिव्यू कर चुकी हूँ, ये मुझे इतनी ज़्यादा पसंद है। इसमें बच्चों के हैं फर्स्ट साइट वर्ड्स, साइट वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा आपको दिखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इनकी मदद से ना आप बच्चे को बुक रीड करना सिखा सकते हो, जैसे आई स्लीप, आई स्केट, ये छोटे छोटे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कंप्लीट मीनिंग देते हैं बच्चे को। तो ये आप साइट वर्ड्स वाली, तो मेरी स्पेशल वीडियो है एक, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये बुक पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, साइट वर्ड्स वाली। नेक्स्ट है माई बेस्ट कलरिंग, इसमें देखिए बच्चे को ना सिंपल सर्कल ट्राइंगल नहीं दिए गए हैं, पूरी पिक्चर दी गई है, बच्चा यहाँ पे कलर कर सकता है इसे देख के। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सर्कल बना दिया और बोल दिया बच्चे को चलो बैठो कलर करो, बहुत बोरिंग हो जाता है वो, तो इस तरीके के पिक्चर्स में ना कलर करने में बच्चों को बहुत मज़ा आता है। लास्ट बुक जो इसमें है वो है राइम्स एंड स्टोरी बुक। कई मम्मी लोग मुझे पूछती हैं यार बच्चों को कौन सी स्टोरीज सुनाएं, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी स्टोरीज़ मिल जाती हैं विद बिग पिक्चर, मतलब पिक्चर के थ्रू हम बच्चे को जब पढ़ा रहे हैं ना, तो बच्चा स्टोरी सुनते सुनते इसमें फुल एक्सप्लेनेशन देख सकता है और समझ सकता है, इमेजिन कर सकता है। और पोएम्स की अगर मैं बात करूँ, राइम्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर बच्चे को बहुत ही कुछ छोटी राइम्स मिलती हैं, कुछ बड़ी राइम्स मिलती है, तो इससे आप बच्चे के ना याद करवा के दिमाग तेज़ कर सकते हो। तो ये है वो 7 बुक्स जो मुझे लगता है कि केजी क्लास के बच्चों के पास होनी ही चाहिए, तो आप ये पैक ले सकते हो। चलो अब ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, अब आपको दिखाती हूँ इन बुक्स को नज़दीक से। कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में फोकस कर सकूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो चलो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और बुक्स को देखते हैं। यह है लर्न एवरी डे लर्न टू राइट। अब ऐसा नहीं है कि ये सिंपल ABCD की राइटिंग बुक होगी, नहीं, ये बड़े ही ध्यान से सोच के समझ के बनाई गई है। बहुत ही प्यारे से इसमें टर्न्स कर्व्स भी बच्चे को सिखाए जा रहे हैं, लिखना भी सिखाया जा रहा है, और एक ध्यान देने वाली बात ये है कि जो लिखना सिखाया जा रहा है ना वो लाइंस वाली
शीट की मदद से सिखाया जा रहा है। इससे क्या होता है ना, इससे बच्चे को कॉपी में लिखना भी बहुत ईजी आता है। नॉर्मली कई बुक्स ऐसी होती है जिसमें प्लेन पेपर पर लिखना सिखाया जाता है, उससे बच्चे को ना आइडिया नहीं रहता कि उसे कितना बड़ा साइज़ में बनाना है, कितना छोटा साइज़ में बनाना है। जैसे कि यहाँ पर बच्चे को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि उसे बीच की दो ब्लू लाइंस में लिखना है। इससे आगे चल के जब वो कॉपी में भी लिखते हैं ना, तो उसकी बहुत हेल्प हो जाती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे मिसिंग वॉवल्स, तो बच्चे यहाँ पर स्पेलिंग्स भी सीखेगा डोमेस्टिक एनिमल्स की। यहाँ पर बच्चे की ट्रेसिंग एक्टिविटी भी हो रही है। मतलब इस बुक में ऐसा नहीं है कि सिंपल सिर्फ ए बी सी डी लिखना सिखाया जा रहा है, नहीं, यहाँ पर पैटर्न्स की, यहाँ पर उसे वर्ड्स की, सब चीज़ों की प्रैक्टिस हो रही है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे मिसिंग वर्ड्स हैं, तो बच्चा यहाँ से पढ़ेगा बुक, तो बच्चा यहाँ पे लिखेगा, तो बच्चा जब सीखेगा ना तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा इस बुक की मदद से। यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बच्चे को मिल जाती हैं, जैसे कि एंडिंग लेटर क्या होगा, या फिर इस तरीके से वर्ड्स लिखने की, ये देखिए आप, हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए उसे अलग पेजेस मिल रहे हैं, और उसे इस तरीके से मैचिंग करने को भी मिल रहा है। मतलब एक्टिविटीज़ की मदद से उसे लिखना सिखाया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। नॉर्मली हम लोग जो बुक खरीद लेते हैं ना ABCD की, उसमें बच्चे को सिर्फ इस तरीके की शीट्स मिलती हैं जिसमें बच्चा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता है, बट यहाँ पर उसे एक्टिविटीज़ की मदद से सिखाया जा रहा है। आई लाइक टू प्ले विथ टॉयज़। तो इस बुक की मदद से आप बच्चे को लिखना भी सिखा सकते हो और रीडिंग भी सिखा सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो आगे हम लोग देखते हैं, जैसे ये है 5 सेंस ऑर्गन, तो हम कौन से सेंस ऑर्गन की मदद से देखते हैं, तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा आई, तो हम क्या करते हैं, वी सी विद अवर आईज, तो यहाँ पर बच्चा लिखेगा सी। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हो इस बुक की मदद से। काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ आपको इसमें मिलती हैं, जैसे कि ये वाली आप देख सकते हो, क्यू से रिलेटेड वर्ड्स बच्चे को यहाँ पर ढूंढने हैं, जैसे कि हो गया है क्वेश्चंस, क्विलिंग, यहाँ पर उसे हिंट्स भी दिए गए हैं, ये आप देख सकते हो क्विल। तो मुझे तो ये बुक बहुत अच्छी लगी। जैसे आगे चल के बच्चा थोड़े से सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस भी यहाँ पर कर सकता है, उसके लिए भी आपको जगह मिल जाती है। फ्रूट्स नेम और राइट द आर वर्ड्स, तो बच्चा पहले यहाँ पे सीखेगा और फिर लिखेगा। तो ये एक्टिविटी बुक मुझे बहुत अच्छी लगी, सिर्फ राइटिंग के लिए ही नहीं, सिर्फ बोरिंग ABCD राइटिंग की बुक नहीं है, ये है उससे बढ़कर। सेकंड बुक की अगर मैं बात करूँ तो वो है ये है अर्ली मैथ्स। एज 4 की सारी बुक्स इसमें होने वाली हैं। इसमें आप बच्चे को सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं सिखाते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे पिक्चर्स की मदद से हम बच्चे को एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखा सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एडिशन सब्सट्रैक्शन सिखाएंगे। यहाँ पर आप स्किप काउंटिंग सिखा सकते हो, मतलब 2, 4, 6, अब आएगा 8, तो हम बच्चों को समझ लीजिए टेबल्स भी सिखा रहे हैं, व्हाट्स डिफरेंट, तो बच्चा यहाँ से उसका दिमाग भी तेज़ हो रहा है। आप देख सकते हो ये सब, बट ये डिफरेंट है, तो यहाँ पे बच्चा सर्कल करेगा। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम बच्चे को सिखा रहे हैं। एडिशन, विच इज़ लेस, तो ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, बिग, स्मॉल, सारी एक्टिविटीज़ आप इस बुक की मदद से, पिक्चर्स की मदद से हम बच्चों को सिखा रहे हैं बेसिकली, तो ईजी हो जाता है बहुत ज़्यादा। एड 5, तो जब 11 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, टेक अवे, मतलब माइनस करना है हमें। 8 में से जब हम 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्टिविटीज़ सिखा सकते हो। हैवी, लाइट, सारे साइंस, टाइम देखना हम यहाँ पे बच्चों को सिखा सकते हैं, कितने बजे हैं, 7:00, मतलब 7 बज चुके हैं। इसमें बच्चे से ना आप ये भी पूछ सकते हो, आई कम आफ्टर 22, व्हाट नंबर एम आई, तो जो 22 के बाद आता है, जब तक आप बच्चों को आफ्टर और बिटवीन, बिफोर नहीं सिखाओगे तब तक बच्चा ये रिडल्स सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो हम रिडल्स के बेसिस पे भी हम बच्चे को मैथ सिखा रहे हैं, जो कि बड़ा ही यूनिक कॉन्सेप्ट मुझे लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर बच्चे को ना एक पिक्चर दी गई है जिसमें ब्लू फ्लावर्स, पर्पल फ्लावर्स, ऑरेंज फ्लावर और रेड फ्लावर दिए गए। हाउ मैनी ब्लू फ्लावर्स, तो यहाँ से बच्चा ब्लू काउंट करेगा फिर यहाँ लिखेगा, पर्पल काउंट करेगा फिर यहाँ लिखेगा। तो इस तरीके से हम बच्चे को सिखा सकते हैं, हाउ मैनी रेड एंड पर्पल फ्लावर्स, तो यहाँ पे बच्चा पर्पल और रेड दोनों को ऐड करेगा और फिर वहाँ पे लिखेगा। मैं बात करूँ कि मुझे इस बुक के प्लस पॉइंट्स क्या लगे, सबसे पहली बात तो इतनी एक्टिविटीज़ हम खुद नहीं बना पाते हैं। दूसरी चीज़, बहुत ही कलरफुल बुक है ये, जिसकी मदद से बच्चा ना बहुत इंटरेस्ट लेता है। अब देखिए, हम प्लस माइनस अगर सिर्फ कॉपी में 4-2 लिख देंगे तो बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा, बट जब ये फिश में इस तरीके से लिखा हुआ है तो बच्चे को भी देखने में मज़ा आता है, बच्चे को भी काउंट करने में मज़ा आता है, 1, 2, 3, 2,
फिर सबको काउंट करेगा तो लिखेगा 5। बट अगर मैं यही चीज़ कॉपी में बना के दे दूँगी बच्चे को मज़ा नहीं आएगा। तो बच्चे को जब हम मज़े मज़े में चीज़ें सिखाते हैं ना तो बच्चा ज़्यादा मज़ा करता है और ज़्यादा पढ़ाई भी करता है। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो उसके लिए सही बुक्स लीजिए, बच्चा पढ़ने में ज़रूर इंटरेस्ट लेगा। ये आप देख सकते हो ऑड इवन की एक्टिविटी है, काउंटिंग इन 4, तो ये 4 स्किप काउंटिंग चल रही है। तो इस तरीके से आप बच्चे को सिखा सकते हो। अब ये देखिए मिसिंग सिंबल्स 9 9 0। अब बच्चे को हम यहाँ पे सिंबल्स लगाने के लिए बोलेंगे, अच्छा बताओ ये एडिशन हुआ है कि सब्सट्रैक्शन हुआ है। इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपके बच्चे को एडिशन या सब्सट्रैक्शन समझ में भी आया है कि नहीं। एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए ये बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। अर्ली मैथ्स में बेसिकली केजी क्लास में बच्चे को यही चीज़ें सिखाई जाती है जो इस बुक में है। तो केजी क्लास में अगर आपका बच्चा है तो आप उसके लिए ये बुक ट्राई कर सकते हो। थर्ड बुक की अगर मैं बात करूँ, फोनिक्स एंड रीडिंग, इसकी मदद से आप अपने बच्चे को फोनिक्स साउंड भी सिखा सकते हो और रीडिंग करना भी सिखा सकते हो। जैसे कि ये हम देख लेते हैं, यहाँ पे पिक्चर्स बनी हुई हैं, बच्चे को हम रीडिंग करना सिखा रहे हैं। डॉग, तो ये क्या है? डॉग। कौन से एंडिंग साउंड आती है? तो ये क्या है? नेट। तो टी की एंडिंग साउंड है इसकी, तो बच्चा सर्कल करेगा। देखिए ABCD की साउंड्स तो हम नर्सरी क्लास में ही बच्चे को सिखा देते हैं। KG क्लास में आते हैं राइमिंग वर्ड्स और एंडिंग साउंड वगैरह के वर्ड्स। यहाँ पर आप देखोगे AT फैमिली के वर्ड्स, यहाँ पर बच्चे को पूरा दिया गया है। AT फैमिली के वर्ड्स कौन से होते हैं? बैट, कैट, रैट, हैट, मैट। इस तरीके से बच्चा यहाँ से देखेगा और यहाँ लिखेगा, तो इससे बच्चे की ए वॉवल के साउंड्स कवर हो जाएंगे। लिसन एंड राइट, फर्स्ट साउंड हमें सुननी है और फिर यहाँ पर लिखना ड, डी, ड, डी, तो किसकी साउंड है? ड की। तो इस तरीके से बच्चा इसमें लिखेगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं सी की साउंड तो क होती है, सी का कैट, तो जब सिटी बोलते हैं तो ये स कैसे हो जाती है, या फिर जब हम केक बोलते हैं तो ये क कैसे हो जाती है? देखिए क्या है ना, ये साउंड्स की जो हार्ड एंड सॉफ्ट साउंड होती है वो भी बच्चे को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर सी की क्लियर की गई है, सी की साउंड हार्ड साउंड हो जाती है, के की साउंड में कन्वर्ट हो जाती है जब सी फॉलो होता है ए, ओ और यू से। अब देखिए सी ए के ई, तो ये क्या बनेगा? केक। क, क की साउंड आपको ज़्यादा बड़ी सुनाई देगी। इफ़ द लेटर आफ्टर सी इज आई ई वाई, तो सी मेक्स एस सॉफ्ट साउंड। देखिए सिटी, तो यहाँ पर आपको अलग साउंड सुनाई देगी, वहाँ पर आपको अलग साउंड सुनाई देगी। ये चीज़ बच्चों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बुक रीडिंग में बच्चा बहुत ज़्यादा गड़बड़ करता है। तो यहाँ पर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाते हैं। नॉर्मली स्कूल में हम बच्चों को ना फोनिक्स सिखा देते हैं और सोचते हैं बस अब हो गया, बट यहाँ पर आपके साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर आप बच्चे को सारे हार्ड और सॉफ्ट साउंड सब सिखाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे CH की बिगनिंग और एंडिंग साउंड भी आपको मिल रही है, जो कि बच्चे को पढ़ाई जाती है KG क्लास में। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे इस बुक से। ये आप देख सकते हो एक्टिविटीज़ इसमें आपको फुल मिलने वाली हैं। ये आप देख सकते हो लेट्स रीड शॉर्ट वॉवल वर्ड, ये क्या है? हैट। तो ये क्या सर्कल करेगा बच्चा? हैट पे। तो बच्चा पढ़ेगा, सर्कल करेगा। देखिए नॉर्मली हम बच्चे को पढ़ाते हैं बट जब हमारे पास पिक्चर नहीं होती ना, बच्चे के दिमाग में क्लियर नहीं हो पाती है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इतनी सारी पिक्चर्स हैं तो बच्चे के दिमाग में सब कुछ क्लियर हो रहा है। यहाँ पर भी आप देख सकते हो ब्लेंडिंग साउंड्स, डिफरेंट ब्लेंड्स आर अ ग्रुप ऑफ 2 or 3 डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड्स। फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू से द वर्ड ड्रिंक यू कैन क्लियरली हेयर द साउंड ऑफ डी और आर। तो यहाँ पर हम ड्रिंक, ड्रिंक, हमें दोनों के कॉन्सोनेंट की साउंड सुनाई दे रही है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर बिगनिंग ब्लेंड्स, एंडिंग ब्लेंड्स, मतलब जो साउंड की सारी ब्लेंड्स होती है ना, वो सब आपको इस बुक की मदद से आप बच्चे को क्लियर कर पाओगे। थोड़ा सा मैं जल्दी दिखा रही हूँ क्योंकि क्या है ना, वीडियो वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये वाली बुक का एक स्पेशल रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है, वेरी फर्स्ट साइट वर्ड्स एंड सेंटेंसेस Level 1। जब आप बच्चे को इंग्लिश सिखा रहे हो ना, तब आपको ये बुक ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। देखिए साइट वर्ड्स बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो आप सबसे ज़्यादा बुक रीडिंग में देखते हो, आई, लाइक, माई, सी, और इस बुक में आपको मिलते हैं 55 साइट वर्ड्स विथ सेंटेंसेस। यस, आई, I sleep, I skate, I swim, I eat, I run, ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहे हैं। तो जब आप कोई भी साइट वर्ड सिखा रहे हो ना इस बुक में, वो आपको एक सेंटेंस के साथ मिलता है। अब देखिए पीछे हमने पढ़ा आई और यहाँ पे आ गया लाइक, तो यहाँ पर बनेगा आई लाइक पिज्ज़ा,
आई लाइक बनानास, तो इससे बच्चे को ना समझाना बहुत ईजी हो जाता है और उससे बच्चा खुद सेंटेंस बना सकता है. आई लाइक माई डॉग. अब हमने आई लाइक पढ़ लिया, अब यहाँ पर माई ऐड हुआ है तो आई लाइक माई डॉग, आई लाइक माई कैट. तो इस तरीके से आप बच्चे को ना सेंटेंसेस बनाना सिखा सकते हो इस बुक की मदद से. और जब बच्चा धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेस खुद बनाने लग जाता है ना, वो आगे चल के इंग्लिश बोलना बहुत आसानी से सीख जाता है. यहाँ पर आप देखोगे हैव का यूज़ करना, यहाँ पर आप देखोगे शी का यूज़ करना, ही का यूज़ करना, सब आप बच्चे को बहुत ईजिली सिखा सकते हो इस बुक की मदद से. इसका तो एक इंडिविजुअल रिव्यू मैंने शेयर किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. इस बुक की मदद से मैं भी शिवांश को पढ़ा रही हूँ और बहुत अच्छे से वो समझ रहा है, क्योंकि देखो हर चीज़ ना आपको पिक्चर के साथ मिलती है, तो बच्चे को समझाना भी बहुत आसान हो जाता है और बच्चा इंटरेस्ट लेके भी पढ़ता है. दूसरी चीज़, इस बुक का ना फॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा बड़ा है, जिससे कि बच्चे को बहुत आसानी हो जाती है देखने में, पढ़ने में और अल्फ़ाबेट्स को समझने में. तो आप इस बुक को ट्राई ज़रूर कीजिएगा. इसका लिंक डिटेल्ड वीडियो वाला मैं आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. नेक्स्ट, इस सेट में आपको मिलती है ब्रिलियंट ब्रेन एक्टिविटी बुक. देखिए इस तरीके की एक्टिविटीज़ बुक जो होते हैं ना, ये मेरी पर्सनल फेवरेट होती हैं. छोटे बच्चे क्या, बड़े बच्चे क्या, और मैं क्या, मैं भी इन्हें सॉल्व करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है. हाँ, मैं छोटे बच्चों वाली नहीं सॉल्व करती हूँ, बड़े लोगों वाली करती हूँ. तो यहाँ पर आप देख सकते हो राइट द मिसिंग लेटर, मतलब जो भी बुक्स अभी तक आपने पढ़ाई है ना उसको समझ लीजिए, इन सब का टेस्ट उसका इस बुक में हो जाता है. सारी एक्टिविटीज़ उसको इस बुक में मिलती है विद कलरिंग और विद ये डॉट टू डॉट एक्टिविटीज़, कलरिंग एक्टिविटीज़, ट्रेसिंग एक्टिविटीज़, इस बुक में उसको सब कुछ मिलने वाला है. ये आप देख सकते हो सर्कल द बॉडी पार्ट दैट हेल्प्स यू टू हेयर. तो अभी हमने पढ़ा था ना किसकी मदद से हम देख सकते हैं, किसकी मदद से हम सुनते हैं, तो यहाँ पर बच्चा सर्कल करेगा. हाउ मैनी सर्कल्स आर देयर, कितने सर्कल्स हैं, काउंट करेगा और सर्कल करेगा. मतलब आपके बच्चे की मैथ्स की, जीके की, इंग्लिश की, सबकी टेस्ट होने वाली है इसमें. ये देखिए आप लूप्स, कितनी बार रैबिट ने हॉप किया है, 3 बारी. इस तरीके की एक्टिविटीज़ पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं. इसमें आप बच्चे को डॉट टू डॉट जॉइनिंग एक्टिविटीज़ दे सकते हो. ये बच्चे के माइंड को शार्प करने में, बच्चे के कॉन्सेंट्रेशन को इम्प्रूव करने में बहुत काम आती हैं. ये आप देखिए इसमें आपको टोटल कितनी एक्टिविटीज़ मिलती है, मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर सब में नंबर लिखा हुआ है. पीछे की तरफ आपको ना ये भी मिलता है आंसर्स, तो जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता वो आप पीछे आंसर देख सकते हो. इसमें आपको 367 एक्टिविटीज़ मिलती हैं, मतलब अगर बच्चा एक दिन की एक एक्टिविटी भी सॉल्व कर रहा है तो ये एक साल के लिए आपको एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं बच्चों की, जो कि बहुत सही चीज़ है. एक्टिविटीज़ इसकी काफ़ी अच्छी हैं, जैसे कि सर्कल द ट्राइंगल ब्राउन. तो जब तक बच्चे को शेप पता नहीं होगी वो नहीं कर पाएगा कलर. व्हाट कम्स नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे बच्चे का ना माइंड से गेम खेला जा रहा है. ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल सर्कल, ट्राइंगल ओ स्टार सर्कल, स्टार सर्कल स्टार. अब क्या आएगा, यहाँ पर आएगा सर्कल. तो ये पैटर्न्स बेसिकली बच्चे के दिमाग को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं. इस तरीके की एक्टिविटीज़ हम घर में खुद भी बना सकते हैं, बट इतनी सारी हमसे नहीं बनेंगी, इतनी सारी पिक्चर्स हमें घर पर मिलती भी नहीं है, इसलिए ये एक्टिविटीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है. आई नो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, बट वीडियो बहुत काम का है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा. अब ये आप देख सकते हो कलरिंग एक्टिविटी. नॉर्मली छोटे बच्चों की जो स्कूल से भी कलरिंग बुक मिलती है ना, उसमें क्या होता है सर्कल, यहाँ पे भी एक सर्कल मिल जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. आजकल के बच्चे बहुत एडवांस हैं, वो इतने मस्त वाले कलर्स भी कर सकते हैं. तो आप बच्चे को सिर्फ सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर पे कलर ना करवा के इस तरीके की कलरिंग बुक दीजिए, बच्चों को बहुत मज़ा आता है. यहाँ पर एक पेज पे बिल्कुल कलर आइडिया दिया गया है और यहाँ पर बच्चे को कलर करना है. प्रिंट्स की अगर मैं बात करूँ, बिल्कुल क्लियर प्रिंट्स हैं. पेज की मैं बात करूँ अगर कलरिंग की बुक की स्पेशली, क्योंकि कलरिंग की बुक के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चा एक साइड कलर कर लेता है तो दूसरी साइड वो बचता ही नहीं है, तो यहाँ पर वो टेंशन नहीं है, क्योंकि एक साइड जहाँ पे बच्चे को कलर करना है वहाँ पर पहले से ही दूसरी साइड कलर है. तो ऐसा नहीं होगा कि भैया ये वाला कलर तो कर दिया बच्चे ने, दूसरा वाला पेज ख़राब हो गया. पेज काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है और बच्चा अच्छे से इसमें कलर कर लेगा ना तो भी उसका ये वाला पेज ख़राब नहीं होगा. बड़ा दिमाग लगा के बुक को बनाया गया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है. कलरिंग के पेजेस बहुत ब्यूटीफुल हैं, ये आप देख सकते हो. नेक्स्ट है इसमें राइम्स एंड स्टोरी बुक. देखिए बच्चों को राइम्स याद करवाइए, ये बच्चे की लर्निंग पावर को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती हैं, क्योंकि बच्चा याद कर लेता है. हम लोग सोचते हैं कि कैसे याद करेगा, बट एक बार आपने याद करवानी शुरू कर दी एक्शन के साथ तो बच्चा बहुत ईजिली याद कर लेता है.
हम्प्टी डम्प्टी, और ये तो पोएम्स ऐसी हैं जो हमने खुद बच्चों ने, मेरे बच्चों ने पढ़ी है नर्सरी में, जैसे पैट अ केक, ये भी मेरे बच्चों ने पढ़ी है, माई सिस, माई फाइव सेंसेस। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है तो ना मेरी आवाज़ थोड़ी खिच खिच कर रही है। और स्टोरीज़ की अगर मैं बात करूँ, इसमें आपको स्टोरीज़ भी मिल जाती हैं जो आप बच्चों को सुना सकते हो, मीनिंग समझा सकते हो, और मोरल स्टोरीज़ हैं ये, तो इनसे बच्चों को कुछ ना कुछ सीख भी मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करोगे। ये बुक्स का सेट मुझे काफ़ी अच्छा लगा छोटे बच्चों के लिए, स्पेशली 4 साल के बच्चों के लिए। उनके पेरेंट्स मुझे कमेंट करके बहुत पूछते हैं कैसी बुक्स होनी चाहिए, तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये होम लर्निंग पैक ले लीजिए। इसके अलावा आपको कोई और बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक सेट से ही आपकी सारी बुक्स का समाधान हो जाएगा, सारी समस्याओं का। तो मुझे तो ये 4 साल के बच्चों के लिए बहुत सही लगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया था, वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाओगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।